Assalamualaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my today's lecture is the cell. Very important topic and very important unit of life that is known as cell. The word cell is derived from Latin cella, which means small room. Cella Latin ka ek word hai jiska matlab hota hai small room. That means small, very small compartment. And what is the definition of cell? Cell is basic structural functional and biological unit of life. Basic structure functional or biological unit of life ka cell. Aur ye membrane bounded structure hai. और मेम्ब्रेन बाउंडेड यूनिट कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दिस सेल हैव डिफरेंट फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन द कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विद इन दी सेल जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर डिफरेंट फंक्शन. डिफरेंट सेल होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है. ओके, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स की और एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग्स की हम एग्जांपल लें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन बॉडी और ये डिफरेंट टाइप के सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स, दीज आर मसल सेल्स और दीज मसल सेल्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है वो फंक्शन परफॉर्म होता है बाय मसल सेल्स. एंड अदर सेल ऑफ बॉडी इज नर्व सेल, दीज आर नर्व सेल्स और जो फंक्शन है नर्व सेल का वो ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सिस. And other type of cells which are present in human beings are red blood cells or RBCs. These are red blood cells. Red blood cells ka kya function hai? Ye carry karte hain oxygen ko. So there are other many different type of cells. Ye maine aapko kuch examples di जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अब देखें जो मसल सेल्स हैं ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, नर्व सेल है ट्रांसमिट इंपल्सेस. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं. मैंने पहले आपको ह्यूमन बीइंग और एनिमल सेल की एग्जांपल दी, फिर मैं आपको देती हूँ प्लांट सेल्स. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. नंबर वन इज जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमेटस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स. अनदर आर पैरेन्काइमेटस. फर्स्ट जाइलम सेल्स जो है उनका फंक्शन ये होता है कि वो कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स. कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट. देन सेकेंड टाइप इज फ्लोएम सेल्स. ये प्रोवाइड करते हैं फूड टू प्लांट. नेक्स्ट इज स्क्लेरेंकाइमेटिस सेल्स. ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, गिव सपोर्ट टू प्लांट. एंड नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, प्रोड्यूस न्यू सेल फॉर ग्रोथ. ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. एंड पैरेन्काइमेटिस सेल्स ये स्टोर करते हैं फूड. जैसे कि एनिमल्स में और ह्यूमंस में सेल्स हैं डिफरेंट टाइप की, इसी तरह प्लांट्स में भी हैं. जाइलम है, फ्लोएम है, स्क्लेरेंकाइमेटिस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पैरेन्काइमेटिस सेल्स और हर सेल्स जो है उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है.
जो कि वो परफॉर्म करता है. सो ऑल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सो दे वेरी इन साइज एंड शेप. सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप. लेकिन इनकी जो प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो सेम होता है. सेम प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल. फंक्शंस ऑफ सेल. नंबर वन फंक्शन ऑफ सेल इज दैट दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी. प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी. सेकेंड फंक्शन ऑफ सेल इज दैट ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम द फूड. टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड देन कन्वर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी. कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इनटू एनर्जी एंड देन कैरी आउट करते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन. एंड अदर फंक्शन ऑफ सेल इज दैट कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल. जो भी हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो स्टोर होता है विद इन दिस सेल. जो भी जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक्स, वो सारी चीज सेल के अंदर स्टोर होती है. ओके व्यूअर्स, मेरा आज का जो टॉपिक था वो था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल. मेरे नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी अबाउट हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल इवॉल्व कैसे हुआ. थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.